हेलो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट एक्स से रिप्रेजेंट होता है। तो जैसे मैंने आपको दिया कि ब्रैकेट एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस, इसके बारे में तो बता लोगे सारे इंटीजर पर ही डिसकॉन्टिन्यूस होता है। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ब्रैकेट ऑफ 3x प्लस 4, ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 5, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 7, तो ये सब कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं और गिवन इंटरवल में कैसे निकालते हैं, तो ये वाली एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस है ब्रैकेट फंक्शन के डिसकॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो चलो मैं इसको अभी कराता हूँ तुम लोगों को, तो एक एक करके मैं इसको समझाता हूँ तुम्हें कैसे क्या होता है। देखो, जहाँ तक एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स की बात है तो ये हर इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, जैसे मैं अगर इसमें एक्स बराबर 5 पे या एक्स बराबर 4 पे मैं चेक करता हूँ तो एफ 4 की वैल्यू कितनी आएगी, ब्रैकेट ऑफ 4, और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। और जानते हो ना, ब्रैकेट की वैल्यू 2.3 का ब्रैकेट कितना होता है, 2 होता है। 2.9 का भी ब्रैकेट क्या होता है, 2 ही होता है। पर 3 का ब्रैकेट कितना होता है, 3 हो जाता है। ये सब जानते हो ना आप लोग, 3.1 का ब्रैकेट 3। ठीक है, अच्छा, तो देखो ब्रैकेट 4 अगर हमें निकालना है तो F4 बराबर, मैं 4 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहा हूँ, F4 बराबर ब्रैकेट 4, ब्रैकेट 4 बराबर 4, F4 प्लस H निकालता हूँ तो कितना आएगा, ब्रैकेट ऑफ 4 प्लस H, और ब्रैकेट ऑफ 4 प्लस H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अरे 4 से थोड़ा सा बड़ा है ना। देखो एक बात तो बता दूँ, 4 प्लस H का ब्रैकेट 4 होता है, 4 माइनस एच का ब्रैकेट 3 होता है। क्यों? क्योंकि ये 4 से थोड़ा सा घट जाएगा, 4 में से थोड़ा सा भी घटा दोगे तो ये 3.9999 हो जाएगा और ब्रैकेट की वैल्यू जो है 3 के बराबर, 3.9999 लिखा हुआ है तो ब्रैकेट 3.99 जो होता है उसकी वैल्यू 3 होती है, और ब्रैकेट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो फिलहाल ब्रैकेट 4 प्लस एच की वैल्यू 4 आई, एफ 4 प्लस एच की वैल्यू हमने निकाला, और ब्रैकेट ऑफ 4 प्लस एच बराबर 4, और जहाँ जहाँ पर एच है वहाँ वहाँ पर लिमिट एच टेनिंग टू 0 लिखते हुए चलिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर लिमिट एच टेनिंग टू 0 लिख दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, एफ 4 माइनस एच की वैल्यू कितनी होगी, ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस एच, और ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस एच का मतलब कितना हुआ, 3.99, तो जाहिर सी बात है 3.9999, तो ब्रैकेट ऑफ 4 माइनस एच की वैल्यू 3 के बराबर हुई और ये 4 पर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, जो ब्रैकेट फंक्शन होता है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो हर इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, अगर मैं इसको जनरल सेंस में लिखना चाहूँ तो एफ एन की वैल्यू एन आएगी, एफ एन प्लस एच की वैल्यू एन आएगी, एफ एन माइनस एच की वैल्यू एन माइनस वन आएगी। ज़रा सा भी कम हुआ तो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है। ब्रैकेट 4 माइनस एच 3 आया था ना, तो ब्रैकेट एन माइनस एच कितना आएगा, एन माइनस वन। ठीक है, तो ये ब्रैकेट जो फंक्शन होता है वो हर इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है। पहले दिमाग में इसको बैठाओ, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जिससे ब्रैकेट के किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो कि वो कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और अगर जरा सा भी तुम्हें शक हो जाए, कोई प्रॉब्लम तुम्हें और लगने लगे कि नहीं यार चेक करना चाहिए, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा, RHL LHL वैल्यू निकाल कर चेक कर लीजिएगा कि भाई वो कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। फिलहाल ब्रैकेट एक्स के बारे में पता चला ये हर इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो अब देखो तुम लोग को एक बात और बता दूं, जैसे कोई फंक्शन जी एक्स है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस है, मगर तो एफ एक्स बराबर जो ब्रैकेट जी एक्स होगा ये वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस होने के चांसेस के ज़्यादा होंगे जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू इंटीजर हो जाए। ध्यान रहे, अगर जी एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और जी एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है तो पक्की बात है एफ एक्स बराबर ब्रैकेट जी एक्स वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है जहां पर इसकी वैल्यू इंटीजर हो जाए। अभी मैंने तुम लोगों को बताया था एफ एक्स बराबर ब्रैकेट एक्स कहां पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है, एक्स बराबर 0, 1, 2, 3, 4, ये मतलब कहने का कि ये सारे इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूस होता है। जितने भी इंटीजर्स हैं, -1, -2, -3 भी रख सकते हो, ये हर इंटीजर पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो ब्रैकेट जी एक्स कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा, जहाँ पर जी एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आता चले, या -1, -2, -3, -4 कुछ भी आ जाए इस तरह से इंटीजर। जब ब्रैकेट के अंदर वाला जो क्वांटिटी है वो जब इंटीजर बनता है तभी सारी गड़बड़ होती है। इंटीजर पर तो वही वैल्यू आएगी, इंटीजर्स थोड़ा सा कम होता है तो भी वही, नहीं, इंटीजर्स थोड़ा ज़्यादा होता है तो भी वही वैल्यू आती है, पर इंटीजर पर जैसे ही थोड़ा सा कम होता है इसकी वैल्यू तुरंत खिसक कर बहुत नीचे आ जाती है, मतलब 1 यूनिट नीचे पहुंच जाती है, लगभग 1 यूनिट नीचे पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर के एफ एक्स बराबर ब्रैकेट जी एक्स अगर लिखा हुआ है तो ये वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा या वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस होने के चांसेस के बन जाएंगे जब जी एक्स की वैल्यू इंटीजर हो जाए।
तो तुरंत एग्जाम्पल में आते हैं, तुम लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि ये जो मैं कह रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, जैसे एफ एक्स बराबर, किसी ने कहा कि एफ एक्स बराबर ब्रैकेट ऑफ 2x, कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस निकालो, और x की वैल्यू दिया हुआ 0 से मान लीजिए 2, या 0 से मान लीजिए 3 दिया हुआ है, और कहा जा रहा है कि 0 से 3 में x की वैल्यू 0 से 3 जा रही है, और आप बताइए एफ एक्स बराबर ब्रैकेट ऑफ 2x कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। मतलब इस गिवन इंटरवल में ही आपको बताना है, 0 से 3 के बीच में इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी ओपन करिए, ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है ये पता लगाइए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सीधा 2x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 माइनस, ऐसे माइनस में माइनस टू ऐसे भी लिख सकते हो, 6, 7, 8 ऐसे लिखते चले जाओ, ठीक है। अगर 2x की वैल्यू इंटीजर होगी तभी ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, मतलब x की वैल्यू 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, और इसके बाद क्या आएगा 3, 7/2, 4 ऐसे चलता जाएगा भाई। 2x के लिए जब इंटीजर है तभी ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो x के लिए क्या होगा 0/2, 1/2, 2/2, 3/2, 5/2 ऐसे करते चला जाएगा ना। तो 0 से 3 के बीच में आपको चेक करना है, तो 0 से 3 के बीच में ये कितनी जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस है, 1/2, 1, 3/2, 2 एंड 5/2, ये कुल मिला के ये 5 पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। ये डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्रैकेट का, ये कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ब्रैकेट 2x कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस, जहाँ पर 2x इंटीजर होगा, और 2x को पहले आप इंटीजर लिख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, और जो जो पॉइंट्स आएंगे तुमसे कहा था 0 से 3 के बीच में, तो 0 से 3 के बीच में 1/2, 1, 3/2, 2 और 5/2 पर ये डिसकॉन्टिन्यूस, कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है 1/2, 1, 3/2 एंड 2 एंड 5/2 एंड बस 0 से 3 के बीच में ये इन 5 जगहों पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा। और किसी को चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो, 1 पे चेक करना हो तो 1 पे चेक कर लो, 3/2 पे चेक करना है 3/2, ये किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस निकलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, उस किसी भी फंक्शन की वैल्यू अगर इंटीजर होगी तो वो डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भूलना मत, टेस्ट वेस्ट में मैं हमेशा दूंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है, तुम इसको याद रखना, तुम्हारा नंबर आता रहेगा, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे अगला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर ब्रैकेट ऑफ 3x के बारे में कह दिया गया, और कहा जा रहा है 1 से लेकर के 2 के बीच में ये कितनी जगहों पर डिसकॉन्टिन्यूस हो गया है या हो जाएगा, तो आप बताओगे 3x की वैल्यू, वैसे पॉजिटिव लिया जा रहा है x, तो माइनस तो लेने से कोई मतलब नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ लिख लो अपना ट्रेंडम, 5, 6, 7, 8 ऐसा करके, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी, 0, 1/3, 2/3 और 1 और 4/3, 5/3, 6/3 मतलब 2, और इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, 2 के आगे जाके क्या करोगे 7/3, वैसे इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं। तुमसे कहा जा रहा है 1 से लेके 2 के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स जहाँ जहाँ पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आप बताओगे 2 जगहों पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है, 2 पॉइंट्स पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है 1 और 2 के बीच में, वो कौन कौन से हैं, x बराबर 4/3 है और 5/3, ये 4/3 पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है और 5/3 पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है इस गिवन x में, ठीक है, समझ में आ रही बात, वेरी गुड। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन कर दिया जाए। अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐसा ले लूं एफ एक्स बराबर ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 1/5 इस, ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस, और x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 से, या चलो 0 से 10 ले लेता हूँ यार, 0 से 10 दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 से 10, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 0 से इक्वल साइन हटा रहा हूँ, 0 से 10 के बीच में ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अगर मान लो अंत में 0 और 10 पर इक्वल साइन लगा हुआ है, तो एंड पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, फिर वो वाला भी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। फिलहाल अभी 0 से 10 के बीच में आपको पता लगाना है कि ये कहां पर डिसकॉन्टिन्यूस है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, 2x प्लस 1 अपॉन 5 की वैल्यू फिर से वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ लिख दो, फिर 2x प्लस 1 की वैल्यू 5, 0, 0, 5, 1 जा 5, 5, 2 जा 10 ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, 20, 25 एंड सो ऑन, कौन इसके आगे लिखे, जरूरत पड़ेगी देखेंगे, 0 से 10 को अगर क्रॉस कर रहा होगा तो हम इधर भी आ सकते हैं, -1, -2, -3 भी ले सकते हैं, फिलहाल अभी लग रहा है कि 0 से, देखते हैं क्या होता है।
तो 2x बराबर 0 माइनस 1। मैं एक ही इक्वेशन में एक ही साथ कई इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही साथ लेके कई इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ ऐसे कहना चाहिए मुझे। 0 माइनस 1 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, फिर 9, 14, 19 और 24 एंड सो ऑन। मतलब ये वहीं पर डिस्कंटीन्यूअस है जहां पर 2x प्लस 1 अपॉन 5 की वैल्यू ये सब होती चली जाएगी, या 2x प्लस 1 की वैल्यू ये सब होती चली जाएगी, या 2x वैल्यू ये होती चली जाएगी, या x की वैल्यू माइनस 1 बाई 2, 2, 9 बाई 2 एंड 7, 19 बाई 2 एंड 12 एंड डैश डैश, ठीक है। अब x की वैल्यू को आपको, x की वैल्यू तो आपको मिल गई, यहीं पर ये डिस्कंटीन्यूअस होगा। इनफैक्ट x बराबर ये सब रखने पर ना ये ओवरऑल इंटीजर बन जा रहा है, और इंटीजर के ही ऊपर नीचे जब ये होता है तो ब्रैकेट क्या करता है, ऊपर जाने पर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वैल्यू वहीं रोक रखता है, और जैसे ही जरा सा नीचे आता है ब्रैकेट उसको तुरंत नीचे गिरा देता है। ब्रैकेट 3 है, 3 आएगा, ब्रैकेट 3 प्लस समथिंग 3 ही आएगा, ब्रैकेट 3 प्लस समथिंग 3 आएगा, पर जैसे 3 से थोड़ा कम हुआ 2.99 के आसपास गया, 2.9999 भी गया, तो ब्रैकेट क्या करेगा उसको तुरंत 2 के पास खींच देगा या गिरा देगा। तो कुल मिला के जब अंदर वाला जो क्वांटिटी वो जब इंटीजर होता है ना, इंटीजर के ऊपर नीचे जब करता है कुछ उधर, तभी ब्रैकेट उसे तोड़ के रख देता है। फिलहाल ये इतने एक्सपर इस तरह के एक्सपर ये डिस्कॉन्टिन्यूस। फिलहाल 0 से लेके 10 के बीच में, तो 0 से लेके 10 के बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, मेरे ख्याल से 0 से 10 के बीच में ये आ गया, ठीक है, 0 से 10 के बीच में ना, हाँ तो 0 से 10 के बीच में ये भी आ जाएगा ना, तो 19 बाई 2 ये होगा 9.5। तो 0 से 10 के बीच में ये इतनी जगहों पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, और देखो 10 नहीं आ रहा है, 0 भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। तो 0 से 10 के बीच में ये x बराबर 2, 9 बाई 2, 7, 7 और इसके आगे 7 के आगे 19 बाई 2, ये कुल मिला के इन चार जगहों पर डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा 0 से 10 के बीच में। समझ में आ रही बात बच्चों? तो आप लोग क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर कोई फंक्शन दे दिया जाता है, कुछ टेक्निकल्स ज़्यादा दे दिया जाता है, आप उसको पहले 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा, फिर x की वैल्यू निकालने की तरफ चलिएगा, x के लिए जब निकल जाए तो वो जो गिवन x है उसमें देख लीजिएगा कौन कौन से आप कंट्रोल में आ रहे हैं, उन्हीं पर ये डिसकॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इसकी निकल गई। अब थोड़ा लेते हैं स्क्वायर क्यूब वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं। जैसे अब तुमसे कह दिया कि बच्चों एफ एक्स बराबर ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूअस है पता लगाओ, और वो भी 1 से 2 के बीच में पता लगाओ। अब तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन है, अब तुम्हें पता लगाना है कि ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है, तो क्या करोगे बच्चों सोचो। तो ये वहीं पर डिसकॉन्टीन्यूअस होगा जहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीजर हो जाए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड डैश डैश, ठीक है, या एक्स की वैल्यू 0, √1 और √1 तो 1 ही होता है, ठीक है, और यहाँ पे √2, √3 फिर 2, √5, √6 एंड सो ऑन। मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ प्लस ले रहा हूँ, माइनस क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे माइनस एक्स में एनालिसिस ही नहीं करनी। अगर −2 से +2 में एनालिसिस करनी होती तब +-1, +-2, +-3 ऐसा करके लेते, ठीक है। फिलहाल एक्स मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये प्लस माइनस में आता चला जाएगा, ठीक है। ये इतने जगहों पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, पर आपसे कहा जा रहा 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में मतलब हमें माइनस वाला नहीं लेना है, तो 0, 1, √2 मैं इसको फिर से लिखता हूँ, √3, 2, √5, √6 नेगेटिव वाले को हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, माइनस वाले को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स में जाना ही नहीं है। तो 1 से 2 के बीच में ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, इन दोनों जगहों पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, ये 2 पॉइंट्स पर डिसकॉन्टीन्यूअस होगा, और वो दोनों पॉइंट्स हैं √2 एंड √3। समझ में आ रही बात? और अगर कोई कहता −2 से 2 में एनालिसिस करो, तो −2 से 2 में एनालिसिस अगर करते तो हम लोग क्या क्या बताते, 0, ±1, ±√2 और ±√3 बताते, तो −2 से +2 के बीच में ये जो है 7 पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूअस था। फिलहाल 1 से 2 के बीच में आपने प्लस माइनस वाले केस को इग्नोर किया था, और सिंपली आपने बताया कि ये दो जगहों पर डिसकॉन्टीन्यूअस होगा। समझ में आ रही बात? चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा देखो, जैसे मान लो एक्स क्यूब कर दिया जाए, ठीक है, अब तुम्हारे सामने मैं एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब कर दे रहा हूँ, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूअस है, और x की वैल्यू मैं देता हूँ 1 से 2 के बीच में इसमें भी, ठीक है।
तो ये वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस है जहाँ पर x क्यूब की वैल्यू इंटीजर हो जाए, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलता चला जाएगा, मतलब x की वैल्यू 0, 1, 2 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/3, 7 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3, 2 होता है, 9 की पावर 1/3 एंड सो ऑन। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, 1 से 2 के बीच में ना, तो 1 से 2 के बीच में कितने जगहों पे डिसकॉन्टिन्यूस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कुल मिला के 6 जगहों पर डिसकॉन्टिन्यूस है बच्चों। और वो 6 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, 2 की पावर 1/3, x बराबर 2 पावर 1/3, 3 पावर 1/3, ऐसे करते करते पूरा यहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो कुल मिला के बेसिक फंडा ये है ना कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी क्वांटिटी दी हुई है वो अगर इंटीजर हो रही है तो वहीं पर उसके डिसकॉन्टिन्यूस होने के चांसेस बन जाते हैं और आप वहीं पर चेक कर सकते हो। अगर मान लो कहीं किसी पॉइंट पर तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाए कि हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस भी हो या कुछ भी हो, आप वहाँ पर चेक कर लो। पर ये जो है अलजेब्रिक फंक्शन में, जब ब्रैकेट के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन रहेगा तो आप तुरंत कह सकते हो कि ये वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा जहाँ पर ये इंटीजर हो जाए, और इंटीजर रख के फटाफट ऐसे चेक कर सकते हो। समझ में आ रही बात सबको, ठीक है। देखो जैसे एफ एक्स बराबर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 3/5, आपको पता लगाना है कि ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, और x की वैल्यू जा रही है 0 से मान लीजिए 2 के बीच में, ठीक है, आपको बताना है 0 से 2 में ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो अब ये वहीं पर डिसकॉन्टिन्यूस होगा जहाँ पर इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, 5 और कितना आएगा, 0, 0, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। या एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -3 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 17 और यहाँ पर 22 एंड सो ऑन, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से तो कुछ वैल्यू आएगी नहीं पहले वाले से, यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, फिर अंडर रूट 7 आएगा, अंडर रूट 12 आएगा, फिर अंडर रूट 17 आएगा, इसके आगे लिखने कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 0 से 2 में बताना है ना। तो 0 से 2 में ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 में सिर्फ अंडर रूट 2 पर ही तो आ रहा है, तो 0 से 2 के बीच में इसमें सिर्फ x बराबर अंडर रूट 2 पर ये डिसकॉन्टिन्यूस है, अंडर रूट 2 पर ये डिसकॉन्टिन्यूस 0 से 2 में। देखो हम लोग को निकालना था ये कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आपने सॉल्व क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0, 5, 10, 15 ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से आ गई। तो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर वैल्यू माइनस 3 लेंगे तो एक्स बराबर आएगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर बराबर 2 है तो एक्स बराबर अंडर रूट 2, एक्स बराबर 7 है तो एक्स बराबर अंडर रूट 7, उसके आगे जितने भी एक्स आ रहे हैं वो तो इसको क्रॉस कर जा रहे हैं। हमें तो निकालना था 0 से 2 के बीच में कहाँ कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो आप बताओगे सिर्फ ये एक्स बराबर अंडर रूट 2 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो बच्चों ब्रैकेट के क्वेश्चन को सॉल्व करना समझ में आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर वाले अलजेब्रिक फंक्शन या ऐसा कुछ भी दिया हुआ है तो आप उसको पहले इंटीजर रखोगे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके रख लीजिएगा, और फिर एक्स की वैल्यू निकालिएगा, x की वो वैल्यू जो आ रही होगी उस पर ओवरऑल उस फंक्शन की वैल्यू, अंदर वाले फंक्शन की वैल्यू इंटीजर ही आ रही होगी, तो x की उस वैल्यू को आप निकाल लिए, और जो गिवन x है उसमें देखो 0 से 2 जैसे इसमें था तो 0 से 2 में सिर्फ एक ही आ रहा है, तो जो गिवन x है उसमें देखो कौन कौन से x आ जा रहे हैं, उसी x पर ये डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।